5 और 6 के बीच में थाना मजोला क्षेत्र में पासनाथ जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके अंदर एक गोली की मारने की घटना हुई है, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को कुछ अज्ञात बाइक सवार लोगों के द्वारा गोली मार दी गई थी और उसी पर तत्काल उनको ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में लाया गया था और वहाँ पर उनको इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें अभी तक ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग आए और उन्होंने पीछे से इनको गोली मारी, जिसमें इनके सिर में और इनके कंधे पर गोली लगी थी और परिजनों के द्वारा इसमें तहरीर दी गई, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया कि अनिकेत सनो प्रभाकर और दूसरे अमित, ये दोनों असमोली क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिला संभल के। और जो मृतक है अनुज चौधरी, ये भी मूल रूप से असमोली क्षेत्र के ही संभल के रहने वाले हैं और यहाँ पे इन्होंने फ्लैट ले रखा था, उस फ्लैट में लोग ये रहते थे यहाँ पे। इस घटना की जैसे जानकारी मिली, सब लोगों ने मौके पर जाके इसका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, इस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और जो आरोपी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है और घटना किस वजह से हुई, किस कारण से हुई, इसकी भी जानकारी करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और जो हमारी अन्य जो टीमें हैं वो इसमें काम कर रही है, लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। घटना की वजह क्या निकल पा रहा है? अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है कि एक तो इनमें पहले से कई लोगों से इनका विवाद था, जिसमें एक मोहित चौधरी है जो कि जेल में है, उनके जो भाई हैं अमित चौधरी, उनको नामजद किया गया है और दूसरे जो अनिकेत हैं ये वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके लड़के हैं, उनसे भी जो प्रमुख का चुनाव हुआ था 2021 का, वो मृतक के द्वारा भी लड़ा गया था और इसी में इनका आपस में कई बार विवाद हुआ है और वही जो परिजनों के द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हीं के द्वारा ये घटना को इन दोनों कितनी गोली लगी थी और कितनी टीमों का गठन आपके द्वारा किया गया? इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है 3 गोलियाँ इनको लगी है और बाकी मौके से 4 जो खाली कारतूस वो मिले हैं और दूसरा जो 5 टीमों का मेरे द्वारा इसमें गठन किया गया, जिसमें 6